नमस्कार, आज मैं गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में हूँ। ये प्रताप विहार का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जिसे कश्मीरी पंडितों ने बनाया था। आज जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का फैसला कर लिया है, मेरे साथ बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो इस फैसले से बहुत खुश हैं और इस फैसले के बाद एक उम्मीद जगी है कि शायद वो अपने जो घर ये छोड़ कर चले आए थे वहाँ उन्हें जाने का मौका मिलेगा। मेरे साथ बीएल रैना जी हैं जो अब शेयर करेंगे क्या हुआ था 1990 में जब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सर, याद आता है पुराना घर? पुराना घर तो हमेशा के, ये तो भूल नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा जो बचपन से तब तक जब तक 90 तक हम उधर ही जिए हैं, रहे हैं। फिर थोड़ा नौकरी के टाइम में थोड़ा बाहर बार गए, लेकिन फिर उधर ही गए थे। यही कि अब बुढ़ापा आ रहा है, सेटल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए, लोगों ने रहने नहीं दिया। कब आपको, सर आपको कब वहाँ से आपको घर छोड़ना पड़ा था? ये अप्रैल 90 में हम चले थे। अच्छा, अप्रैल 90, 15 अप्रैल 1990 हम चले थे उधर से। सर, क्या अचानक क्या हो गया था, क्यों घर छोड़ना पड़ा था आपको? ये अनएक्सपेक्टेडली रात के 10 बजे, 9:30-10 बजे के बाद इतना हल्ला गुल्ला हुआ, मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से लोग अपने घरों में छतों में चढ़े, जनरली हमारे उधर मकानों में छत जो है टीन के, ऐसे टीन के होते हैं, उनको वो दम पीटते थे डंडों से, मतलब इतना गोला कर रहे थे, दहशत फैला रहे थे। लोगों का सपोर्ट था मिलिटेंटों को, इतनी बात ये तो है मिलिटेंटों को। अब उन्होंने उनको कंपेल किया या उनकी अपनी सोच थी, क्या हुआ ये, कैसे हुआ ये वो जाने। सर, जब रात में आप कैसे जल्दी लिए आप लोगों ने सामान, क्या मंजर था, क्या था, आप याद बताइए। मंजर तो हम देख नहीं पाए क्योंकि रात का टाइम था जो स्टार्ट हुआ था, पहले मस्जिदों से सब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो आपने जल्दी लिए सामान पैक किया? पैक क्या करना था, अब ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल था, कर्फ्यू रहता था, कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से जो कुछ आ गया टैक्सी वैक्सी करके कुछ इसी तरह से जान बचाने, जान बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें थ्रेट मिली थी कि आप चले जाओ यहाँ से। आप कश्मीर में किस इलाके में रहते थे? ये छत्तापल का एरिया था, थोड़ा एंड ऑफ द सिटी है ये, पड़ता है ये छत्तापल एरिया, हम वहाँ पर रहते थे। उस समय आप क्या काम करते थे? मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, लेकिन वो भी मैंने बेच दिया था क्योंकि मुझे मिलिटेंट्स आ गए थे कि ये चीज अनऑथराइज कुछ पैम्पलेट्स छापो, ये करो करो, अंडर प्रेस कर रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं बंद कर दूँ, प्रेस को बंद कर दिया था और चले गए थे बाहर। फिर वहाँ से निकल के आप कहाँ पर आए? वो अपना जम्मू को, जम्मू आ गए। जम्मू में कितने साल रहे आप? जम्मू में 90 से 96 तक हम रहे उधर। फिर वो जो 6 साल कैसे बीते जम्मू में आपके? बड़ी मुश्किल से, कभी कहीं जगह रहना, कभी कुछ रहना, कभी किराए में रहते फिरते थे, बेघर हो गया अचानक से। बेघर, ये तो अपना घरवर तो था ही नहीं कहीं कुछ। अब गाजियाबाद कब आया? गाजियाबाद हम पहले थोड़ी देर हम थोड़ा दिल्ली इधर पांडानगर में रहे, फिर पांडानगर से इधर एक मकान LIG लिया, एक कमरा सिंगल रूम, वहाँ पर हम 96 या 97 बिगिनिंग में फिर इधर शिफ्ट किया हम। कभी सोचा था धारा 370 हट जाएगी, आप देख पाएंगे ये दिन? ये सोच भी नहीं, सोच में कभी आया ही नहीं कि ऐसे 370 हटेगा। ये तो BJP की हुकूमत की गट से कि उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी। वापस लौटना चाहते हैं? डेफिनेटली, हमारा, हमें तो लगाव है कश्मीर से, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अंडर सिक्योर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। मतलब ये मैंने आज जितने भी आप कश्मीरी पंडितों से बात की, खुशी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई सिक्योरिटी का क्या होगा। सिक्योरिटी ऐसे मतलब कॉलोनाइज्ड सेटअप बनाए जाए, वहाँ रहेंगे हम, क्योंकि जहाँ पर हमारा ओरिजिनल होम है, मकान था उधर, हम उस इलाके में हम रह नहीं पाएंगे। अच्छा, कि 2-4 घर हैं, बाकी यही है, आबादी काफ़ी पूरा बड़ा हुआ है।
अब क्या, अब मोदी जी ने धारा 370 तो हटा दी, अब क्या चाहते हैं उनसे? हम चाहते हैं कि हम वापस जाएं, मतलब शांति से रहे। ऐसे ही कश्मीरी पंडित जो सांची शांति प्रिय है, तो ये ऐसे हल्ला वल्ला करते नहीं। तो हम चाहते हैं कि किसी ऐसे शांति में रहे, उधर भी रहे, ऑर्गेनाइज वे से कॉलोनाइज कॉलोनीज वाले बनाए। तो सारे कश्मीर पंडित एक साथ रहना चाहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रहे, हमें और पावर न करे। देखिए हम तो बंदूक बंदूक तो उठा नहीं सकते, ये चीज़ तो हम कर नहीं सकते। सिक्योर अब मतलब कहना चाहिए, आज जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी चिंता है। हाँ ये तो है ही। अब देखो बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं उनको भी 90s में या 90 से पहले या बाद में मारा भी, वो भी किया। अब यहाँ इतने मुसीबतों के बाद थोड़ा हम सेटल हो गए इधर, अब उधर जाएं फिर वही बात हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमारा भी व्यवस्था करे ऐसे कि हम शांति शांति से उधर रह पाए। सुरक्षा को लेके चिंता? हाँ, सुरक्षा की चिंता है। मेरे साथ हैं नरेंद्र पंडिता जी, मैं इनसे पूछती हूँ, सर धारा 370 हट गई है, अब लौटने की तैयारी है? बिल्कुल लौटने की तैयारी है। जब हम वहाँ से निकले थे तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने 10th वहाँ पे दिया था, उस टाइम रिजल्ट जम्मू में आके निकल गया। और अब जवानी में सोच रहे हैं कि वापस चले जाएंगे। बड़े खुश हैं, मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से ये मुमकिन हो गया, अदरवाइज़ अभी तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये धारा हट जाएगी। क्या लगता है, सपना है कि हकीकत है? पहले तो सपना ही लगता था, लेकिन अब ये लग रहा है कि हकीकत हो रहा है। क्योंकि पहले भी बोलते थे कि हट जाएगा हट जाएगा हट जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि ये हट जाए, लेकिन अब लग रहा है कि हकीकत में हम इंडिया में हैं। आपके पेरेंट्स भी हैं पर और फैमिली के लोग सब बिल्कुल मेंटली वहाँ जाने को बेताब है, लौटने को बेताब है? बिल्कुल। एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 94 में जब हम वहाँ से आए थे। तो एक ही मतलब हमारे घर में जो कमाते थे, उसके बाद मेरी सिस्टर बड़ी वाली थी, उनका जॉब यहाँ लग गया था, तो उन्होंने घर को संभाला। जो हमने सख्तियाँ उठाई है, मुझे नहीं लगता और किसी ने, हमने फिर ज़ीरो से यहाँ पे स्टार्ट किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाँ उस टाइम थोड़ा सा मदद बीजेपी ने हमें किया था, उन्होंने थोड़े कैंप्स लगाए थे यहाँ पे, हर घर में थोड़ा सा राशन पानी उन्होंने वो दिलवाया था। तो बाकी हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली थी, सिर्फ एजुकेशन की वजह से हम आज खड़े हुए हैं। नहीं तो हम वही कोई रिक्शा चला रहा था, किसी का शॉप होता, कोई कुछ होता, ये हमारे हाथ में जो पेन था उसकी वजह से हम आज सारे सेटल हो चुके हैं और बिल्कुल कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं। आपको सर याद, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, अच्छी आपकी मेमोरी याद है, क्या हुआ था, कैसे रातों रात भागना पड़ा था? बिल्कुल, वहाँ पे जो हमारे पड़ोस में रहते थे वो तो पहले बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से मत जाइए, हम पहले हैं, जब वो किसी को मारेंगे पहले हम आएंगे फिर आपको मारेंगे। लेकिन रात को एकदम ऐसा हुआ कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ से सब निकल जाओ, ये मतलब टोटली मुस्लिम ये बनने वाला है, जितने भी हिंदूज हैं वो लीव करें इस प्लेस को, नहीं तो एक एक करके मार दिया जाएगा। तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राजनाथ, तो उन्होंने उसको घर से निकाल के और नेक्स्ट डे उनकी लाश वापस छोड़ दी। इस चक्कर में फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई दूसरे, वहाँ आईबी के थे एक कश्मीरी मिस्टर बान थे, उनको बस में गोली मार दी गई। तो इस डर की वजह से फिर एक एक करके हम निकल गए। आप कहाँ रहते थे? उस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम था, बड़गाम में रहते थे? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, जगह का नाम बटपोरा था, खंदा बटपोरा। क्या क्या जब आप लोग वहाँ से निकले क्या क्या छूट गया? सब घर बार सब चैन जो भी हमारा था बचपन था सब खो लिया। तो एक तरफ से हमें पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें आगे क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या है, ये किसी को कुछ पता नहीं था। हमें बस उस टाइम यही पता था कि अपनी इज्जत बचा के हम निकल रहे हैं। कहाँ कुछ नहीं, बड़गांव से निकल के कहाँ गए आप लोग? सीधे हम दिल्ली आ गए थे, पहले जम्मू में एक रात रुके थे, उसके बाद दिल्ली आ गए थे। आपके पिता नहीं है, 94 में उनकी डेथ हो गई, कहीं अंदर टीस होती काश वो ये लौटने का दिन देख पाते? बिल्कुल होता है कि अगर वो आज होते तो देखते वो खुश हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ कि
क्या बताएं हम कि हमने क्या खोया है। हमने अपना घर भी खोया, अपने फादर को भी खोया, मेरी सिस्टर्स कैसे वो कर रहे थे। क्या कह सकते हैं, ये जब आपने सुना कि धारा 270 हट रही है, कितना इमोशनल मोमेंट था आपके लिए? एक्चुअली मैं उस टाइम कहीं ड्राइव कर रहा था, तो किसी ने बोला कि यहाँ के मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि अरे आप फिर वापस जा रहे हो कश्मीर। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोलता धारा 370 हट गई, अब हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके वहाँ ज़मीन है, उस पर घर बनाएंगे, इकट्ठे रहेंगे। मैंने बोला अरे मेरे को तो पता नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो इसी चक्कर में हम वापस जाएंगे, अपने कश्मीर को देखेंगे, आपको भी दिखाऊंगा कि हम कैसे रहते थे, क्योंकि जहाँ जैसे हम रह रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है यहाँ। जो हमारे कश्मीर में घर थे, 5-5 मंजिल के घर थे, तो हर कोई इतना वेल ऑफ था कि कोई कहने की, अगर जब हम यहाँ किसी को कहते थे तो वो बोलते थे, मतलब वो यकीन नहीं कर, हाँ होगा, लेकिन अब हम वो दिखाना चाहते थे उनको कि नहीं है। अब ये है कि किसी के मकान उन्होंने जला दिए हैं, किसी के खंडर हो गए हैं, बट ज़मीन वहाँ पे बहुत है लोगों के पास। अब जिन्होंने बेच दी थी उस टाइम नीड थी, तो जो चीज़ 1 लाख रुपये की थी उसको 10,000 मिले, लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ा था। अब गवर्नमेंट तस्वीर याद आती है, बिल्कुल घर की तस्वीर याद आती है, पूरा हर एक एक कमरा याद है कि कैसे हमने सब बचपन वहीं खेला है, तो रोड भी याद है कि कैसे जाते थे, किस हिसाब से जाते, सब कुछ याद है। स्कूल याद है, कौन से स्कूल? बिल्कुल डेवी स्कूल में पढ़ता था मैं, डेवी जवाहर नगर में स्कूल था, और पूरा याद है, कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को। आज जब लौटने की बात हो रही है, एक बहुत बड़ी डिमांड, कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ, धारा 370 हट गई है, अब अपनी सरकार से क्या चाहते हैं कश्मीरी पंडित? नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमें सही इज्जत के साथ वापस लिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, एक मतलब पूरा माहौल ऐसा बन जाए कि नहीं वहाँ पे हमें कोई थ्रेट नहीं है। ऐसा ना हो कि हम फिर ज़िंदगी यहाँ अपनी स्टेबल करके फिर वहाँ चले जाएं और फिर हमें भागना पड़े, ऐसा आगे से ना हो। बाकी जाने के लिए तो हर कोई तैयार है। सर एक चीज़ और, जैसे धारा 370 हट गई है, लेकिन कुछ लोग और कश्मीरी पंडित बहुत खुश हैं, इवन देश के ज़्यादातर लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये तरीका गलत है, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? असल में क्या है, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। जो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ है, उनने कुछ खोया ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कश्मीर के बारे में, ये तो हमें पता है, हम जानते हैं, हम वहाँ से छोड़ के आए हैं, तो उस दर्द को हम जानते हैं, जिसको दर्द होता है ना वही जानता है, बाकी तो बातें करते हैं, बातें करने में क्या है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन जिस पे बीती है वही जानता है। तो वो जिन लोगों को कुछ पता नहीं है, जिन पे बीती नहीं है, वही ये बोलते हैं कि 370 गलत तरीके से हटा। गलत तरीके से क्यों हटा? अगर अच्छे तरीके से ही हटना था तो इतने सालों तक क्यों नहीं हटाया? अगर पहले कोई पहल करता तो टाइम लेके हटाते, लेकिन आज तक ये क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि अब राष्ट्र के लिए भी कुछ सोचना है। हर कोई अपने घर के लिए सोचता था, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए कोई नहीं सोचता था, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अब मोदी जी की वजह से ये हो रहा है, अब जिनको जिनके दुकानें बंद हो गई है, जो इस पे पलते थे, जिन्होंने इतने पैसे बनाए, तो उनका ये दुकान बंद हो रही है, इसलिए वो थोड़ा बौखलाहट में है। मेरे साथ विक्की सराफ जी हैं, कुछ याद है कब वहाँ से निकले थे, क्या उम्र थी आपकी जब वहाँ से आप कश्मीर निकले थे? लगभग मैं उस टाइम 9th या 10th में पढ़ता था, छोटे थे, लेकिन हालात ऐसे थे, सब हमें ऐसा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम से जब पलायन करना पड़ा तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें डेली ये देखना पड़ता था, कभी फायरिंग हो रही है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम स्कूल में जाते थे, हम पढ़ नहीं पाते थे। मेन तो है कि बच्चा जब जाता है तो उसको एक ऐसा माहौल चाहिए बेसिकली कि जिसमें वो ओपन थिंकिंग से पढ़े, जिसको ये डर ना लगे। लेकिन जब हम खेल नहीं पाते थे वहाँ पर, फिर हमें फाइनली ये पता चला लास्ट में कि जितने भी छोटे बच्चों को, मतलब 10th के थे 11th के में जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनको बोलते थे आप भी चलो इसमें, इस मूवमेंट के लिए जो हमें आज़ादी वहाँ लेनी है, जो पाकिस्तानी वहाँ पर जो भी ऐसे संगठन थे जो वहाँ पर बेसिस बनाई थी, वो चाह रहे थे कि कश्मीरी पंडित भी हमारे इस एजुटेशन में शामिल हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते थे, हम हर टाइम इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे। इस वजह से हमने उस टाइम यही फैसला, जो हमारे माँ बाप, मतलब जितने भी हमारे पेरेंट्स वगैरह थे, जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने यही फैसला किया, तो हम मास कम्युनिकेशन करें। एट अराउंड 4 लाख लोग वहाँ से हमने इकट्ठे पलायन किया 1990 में। वो एक सबसे बड़ा पलायन था पूरे भारत वर्ष में, अगर किसी भी एक अपनी ही कंट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा पलायन कहीं नहीं हुआ था।
सर आपको वो डेट वो तारीख याद है कब आप लोग कैसे निकले? हम जो मुझे याद है हम 1990 में फरवरी का महीना था, तो उस टाइम हम जनवरी या फरवरी का ही महीना था, उसी टाइम वो ठंड भी थी और मुझे याद है हम जैसे हमें एकदम से वहाँ पर निकल गए रात को, हमें डर डर के माहौल में निकलना पड़ा, बसों में बैठते थे उसमें मतलब मस्जिदों में आवाज़ आती थी इनको भगाओ, इनको या तो मारो, इनको या तो कन्वर्ट करो, तो हम इसके वजह से हम फिर वहाँ से रातों रात भाग गए और ठंड ऐसी थी कि हमारे पास न कोई छत थी न कोई ऐसा था, हम सीधे जम्मू शिफ्ट हो गए और जहाँ पर हमारे पास कोई मकान नहीं था कोई कुछ नहीं था, फिर फाइनली हमें टेंट्स में रहना पड़ा शुरू में, मतलब हमने छोटे छोटे मकान ढूंढे वहाँ पर, जो हमें वहाँ पर देखने को मिला वो हमारा मतलब आज तक हम क्योंकि मैं छोटा था थोड़ा सा याद भी है मुझे, तो हमें खाने के लिए हमारे को कुछ नहीं मिलता था, पेरेंट्स हमारे मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे उनको सैलरीज नहीं मिलती थी, हमारी पढ़ाई में दिक्कतें होने लगी, तो वो हमने बड़ा ही ऐसा बहुत ही मुश्किल मौका। अच्छा आप उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे, ऐसा कुछ याद आता है जब निकलने लगे थे तो कोई होता ना बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है बैग होता है बैट होता है बॉल होती है, ऐसी कोई चीज़ छोड़ रहे थे, दुख हो रहा था, और आपके मम्मी पापा का क्या हाल था, कैसे मतलब क्या लम्हा था, कैसे याद है आपको क्या हुआ था? मतलब हमारे पास देखिए चीज़ें तो ऐसी इतनी जुड़ी थी, हम जैसे वहाँ से हम अपने ही घर से छोड़ के आए थे, हमारा मतलब अगर आप देखेंगे ओवरऑल हम हमारे सबसे मेन होता आदमी को किससे साथ सबसे ज़्यादा अपने घर से अपनी ज़मीन से, जब हमें वहाँ से निकलना पड़ा सबसे मेन हमारे को ये दुख हो रहा था कि हमें समझ तो बाद में आया लेकिन हम जैसे ही निकले वहाँ से हमें ये पता चला कि हमने ये चीज़ें छोड़ी वहाँ पर, जैसे अपने मतलब वहाँ पर हम खेलते थे ओपन माइंडेड से, मतलब किसी के पास हमारे को जब जम्मू आए तो हमारे को ये देखने को मिला वहाँ पर हमारे पास बिल्कुल स्थिति अलग थी, वहाँ पर हमारे पास रहने के लिए घर ही नहीं था, खेल तो दूसरी बात थी, तो ये सबसे एक बड़ा हमारे लिए इस तरीके से वहाँ पर ये दिक्कत होनी शुरू हुई थी। अच्छा जम्मू के बाद फिर आप कहाँ आए, कहाँ आप लोग बसे, गाज़ियाबाद कब आए? गाज़ियाबाद तो हम आए थे जब हमने जम्मू से हम लगभग एट अराउंड 10 साल तो जम्मू में भी थे, फिर नेचुरली फिर धीरे धीरे हमने पढ़ाई की, फिर अपने क्योंकि काम वगैरह भी जम्मू में ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी या कोई इस तरीके से, वहाँ पर हमने पढ़ाई की, उसके बाद सीधे हम अपनी रोज़मर्रा आदमी को ढूंढना पड़ता है कि कहीं पर भी सेटल हो जाए, कोई दिल्ली में गया कोई बॉम्बे गया कई मतलब अलग अलग स्टेट्स में रहने लगे, फिर कश्मीरी पंडित पूरे सारे आप ये बिखर गए हर जगह पूरे इंडिया में, जिनका कोई मतलब एक जगह जो थे पूरा मास था वो बिल्कुल हर जगह सिर्फ अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, तो वो एक सबसे मेन हमें उस वजह से हमें उस टाइम इमिजिएटली हमें निकलना पड़ा और हम गाज़ियाबाद उस टाइम आ गए, हमें लगभग 20 साल हो गए गाज़ियाबाद। आपके मम्मी पापा हैं? हाँ जी। अभी जब धारा 370 हट गई है और क्या फिर से जाने का याद आ रहा है अपना घर? बिल्कुल याद आ रहा है, अगर हमें फिर से जाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, अब नई गवर्नमेंट से ये हम आशा करते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार या अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में अभी हाल में ही डिस्कशन मतलब बोला वहाँ पर कि कश्मीरी पंडितों को साथ में लेके जाना, उनकी सेटलमेंट करनी है वहाँ पर, उनको घर देना है, वो पूरी व्यवस्था देनी है, वहाँ नौकरियाँ देनी है, तो अगर वो करेंगे तो हर कोई कश्मीरी पंडित जाएगा, हर कोई ईच एंड एवरी वन। ये पल आपके लिए कितना इमोशनल है, मतलब वो पुराना घर देखने को मिलेगा, वो पुरानी चीज़ें आप देख पाएंगे, कुछ उम्मीद जग रही है? हाँ बिल्कुल जग रही है, अगर हमारे को पुराने जगह जाने को मौका मिला और वहाँ पर हम देखना चाहें तो हमें इससे ज़्यादा खुशी तो मेरे को लग रहा है ये सबसे अच्छा गिफ्ट है हमें मोदी जी ने दिया है कि हम जिस पे हम अब ये आशा कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई एक सूर्य की किरण निकल गई कि जहाँ पर हम वहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये थे गाज़ियाबाद के कश्मीरी पंडित जो धारा 370 हटाए जाने के बाद बेहद खुश हैं और वापस अपने घरों को लौटने को बेताब है, हालांकि इनके मन में आज भी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है, वो कह रहे हैं कि अगर हमें सुरक्षा मिले तो आज ही हम अपना सब सामान लेकर वापस अपने घर चले जाएं। उन्हें आज भी जो 1990 में जो उन्होंने अपने घर अपने मोहल्ले अपने लोगों को उन्होंने छोड़ा उनकी यादें आज भी इनके जहन में बहुत ताज़ा हैं और ये वापस लौटने को बेताब हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कश्मीरी पंडितों को दोबारा से वहां बसाने के लिए क्या प्रयास करती है। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।